हेलो हेलो, आइए मेरे चैनल लुबीना डिकोड्स में। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज करने वाली हूँ। थोड़े दिन पहले मेरी मम्मी ने मेरे साथ एक शूटिंग किया और मम्मी का फर्स्ट टाइम मेकअप हुआ। मम्मी बहुत नर्वस भी थी, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। जो उनका हमेशा का नोशन था कि मेकअप करने के बाद मम्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, मतलब मम्मी को लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया, लोग क्या सोचेंगे, मेकअप समझ में आ रहा है, तो ये सारा नोशन उनके दिमाग से चला गया और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आज मैं मम्मी का नहीं, मम्मी के डुप्लीकेट को लेकर आई हूँ, जो कि है मेरी मासी। मासी का मेकअप करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप भी आपके घर के बड़ों को मेकअप कर सकते हैं, करवा सकते हैं, या उन्हें ये वीडियो दिखा सकते हैं ताकि वो इस तरीके से मेकअप करें। तो मैं आज बड़ों का मेकअप करके दिखाती हूँ, तो चले। नहीं, कहीं नहीं चल रहे हैं, मैं यहीं पे बुला रही हूँ मेरी मासी को। एशो, तो ये है मेरी मासी और ये हूं मैं। आज मैं मेकअप करूंगी मेरी मासी का और दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैं मासी को ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत लाउड कुछ मेकअप कर दूंगी कि लोग सोचेंगे ये भगवान मेकअप करी है, ये लोग पकड़ भी नहीं पाएंगे और कितनी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी। वैसे मेरी मासी बहुत सुंदर है, तो देखा जाए तो इतना ज्यादा मेकअप करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं मेकअप करूंगी और मासी को भी दिखाऊंगी, क्योंकि आई एम श्योर कि मेरी मासी ने इससे पहले कभी मेकअप नहीं किया। इससे पहले कभी मेकअप किया है? नहीं। खुद से क्या करती हो? सिर्फ लिपस्टिक लगाती हो? लिपस्टिक लगाती हूँ और कभी कभी आँख में थोड़ा काजल। तो लिपस्टिक और काजल, आई एम श्योर कि आप लोग भी सब इतना ही करती होंगे, आपकी मम्मिया, मासी, चाची सब इतना ही करते, थोड़ा सा लिपस्टिक, थोड़ा काजल लगाती हैं। तो मैं आज सब कुछ करूंगी लेकिन नेचुरल तरीके से मेकअप करूंगी और दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप उसी चीज को एनहांस कर सकते हैं। सो शैल वी स्टार्ट? सबसे पहले मैं फेस में एक फेस ऑयल यूज करूंगी और उससे क्या होता है कि फेस ड्राई नहीं लगता है। मेकअप करने से पहले हमेशा फेस में थोड़ा सा ऑयल लगा लेना जरूरी है, नहीं तो मेकअप ठीक से बैठता नहीं है, उससे मेकअप और नेचुरल दिखता है। मेरा जो ये ऑयल है उसको फरसाली ऑयल बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा शाइन है तो फेस में ऑलरेडी थोड़ा सा शाइन हो गया। उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का टिंटेड आई ब्राइटनर। आंखों के नीचे अगर डार्क सर्कल्स हो या लाइंस हो, इससे थोड़े ढक जाते हैं। ये कोई एक्सट्रीम कलर नहीं है, ये एक नॉर्मल कलर है, मीडियम टू सेमी हैवी कवरेज के लिए। इससे देखिए आंखों के नीचे का अगर डार्क सर्कल हो उसको मैंने कंट्रोल कर दिया। इसके बाद मैं यूज करूंगी माई ऑल टाइम फेवरेट NYX ड्रॉप फाउंडेशन। ये बहुत लाइट है, लगाते ही देखिए ड्रिप करेगा, तो ये फेस में वो चौकी हैवी फील बिल्कुल भी नहीं देता है, एंड दैट्स व्हाई आई लव इट एंड आई स्वेयर बाय इट। इसके बाद मैं यूज करूंगी द बेनिफिट का व्हाट्सएप स्किन हाइलाइटर। स्किन शाइन करेगा तो ही स्किन हेल्दी लगेगा, सो आई विल ऑलवेज पुट द लॉट ऑफ स्किन हाइलाइटर टू मेक द स्किन लुक ग्लोई एंड नाइस एंड ब्यूटिफुल। इसको थोड़ा सा स्किन में ब्लेंड कर लीजिए ताकि एकदम से ना लगे कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है। तो हो गया हमारा स्किन हाइलाइट। उसके बाद मैं यूज करूंगी स्मैश बॉक्स का फेस डिफाइनर। इसमें दोनों तरफ दो अलग कलर है, एक तरफ डार्क और एक तरफ लाइट। मैं थोड़ा सा लाइट ही यूज करूंगी क्योंकि ज्यादा डार्क की हमें जरूरत नहीं है। रोज तो आप मेकअप करके घूमेंगे नहीं, बट देन दिस काइंड ऑफ मेकअप यू कैन डू एट होम। इसीलिए मैं किसी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को बुला के मेकअप नहीं करवा रही हूँ, वो तो मैं कभी भी करवा सकती थी, तो मैं इसलिए खुद कर रही हूँ ताकि आप खुद अपनी मम्मी का, मासी का, चाची का, मामी का, किसी का भी मेकअप कर सकते हैं, या तो अगर आप खुद देख रहे हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको डबल चिन का प्रॉब्लम है आप उसको भी थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए ब्लेंड करना इज द रियल टेक्निक ऑफ मेकअप। अगर आप ब्लेंड करना भूल गए और लोगों को वो लाइन दिखने लग गया तो अच्छा नहीं लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा।
एक्चुअली देखा जाए तो हम जिस कमरे में इस वक्त बैठे हुए बहुत गर्मी है, ताकि आवाज क्लियरली आए इसलिए हमने एसी भी ऑफ करके रखा है, तो काफी गर्मी है। फिर भी देखिए इनको पसीना नहीं आ रहा है उस तरीके से। अगर पसीना आ भी रहा है तो अलग तरीके से, वो मेकअप क्रैक फटने जैसा नहीं दिख रहा है, हल्का पसीना आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक निकाला। जब भी आप ज्यादा थिक मेकअप कर देंगे उसी वक्त वहां पे क्रैक 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 होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि बहुत थिन सा जो भी मतलब मेकअप जब टेस्ट करेंगे खरीदते टाइम, देखिए कि इतना लाइट हो कि आपकी स्किन के साथ ब्लेंड कर गया। अगर ऊपर एक पैच जैसा लगे तो मेकअप मत लीजिए फॉर अ रेगुलर वे। अभी मैं थोड़ा सा पाउडर लगाऊंगी बहुत लाइट। अभी मैं स्टार्ट करूंगी द आई मेकअप। आई मेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइट ब्राउन से स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे देखने में तो काफी डार्क है पर वो उतना डार्क नहीं है। एक लाइट ब्राउन कलर है, इसके ऊपर मैं इसी ब्राउन से थोड़ा सा बीच में शाइन दे रही हूँ और इस कलर के साथ ब्राउ बोन को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है ब्राउ बोन ज्यादा हाईलाइट हो गया है। मैं सब कुछ को थोड़ा सा डस्ट करके इसी ब्रश से मैं थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर दूंगी। मुझे कॉर्नर थोड़ा ब्राइट अच्छा लगता है, मैं कॉर्नर में थोड़ा सा रंग ऐड करूंगी ताकि ज्यादा ना हो जाए। मैं उसको वापस से कम कर दूंगी। अभी मैं एक लाइनर यूज करूंगी, आप कोई भी लाइनर यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन शैडो के साथ इसको स्मज कर दूंगी। इसके बाद मैं यूज करूंगी मस्कारा। मेरी मासी को आदत नहीं है मस्कारा लगाने की, उनकी पल के नीचे टच हो गई और नीचे लग गया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैलफंक्शन हो सकता है, स्पेशली आप जब घर पे ट्राई करेंगे तो मैलफंक्शन हो ही सकता है, और दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑल्सो ट्राइंग। तो मैलफंक्शन को कैसे रोक सकते हैं, आप ब्रश में थोड़ा सा पाउडर ले लीजिए और उसको आंखों के नीचे से घुमा दीजिए। दाग बहुत अड़ियल हो जैसे कि अभी है तो मैं थोड़ा सा और बेस ले लूंगी छोटे से ब्रश में और यहाँ पे लगा दूंगी। चला गया ना, खुश है अभी, तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ट्राई नहीं करेंगे तो सक्सेसफुल कैसे होंगे, तो बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करते रहिए। मेकअप करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं खुद का मेकअप हमेशा करती रहती हूँ। ऑब्वियसली कभी कभी शूट में मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं और मैं उनसे हमेशा सीखती रहती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ और करके भी देख रही हूँ। हो गया आई मेकअप। अभी मैं थोड़ा सा आईब्रो करूंगी। मेरे पास एक आईब्रो पाउडर है, मेरे पास है, लेकिन आप लोगों के पास अगर नहीं हो तो ब्राउन कलर के आई शेडो के साथ भी आप कर सकते हैं। कोई भी पतला ब्रश ले लीजिए और उसमें आईब्रो पाउडर लगा लीजिए। आंखों के नीचे बहुत खाली लग रहा है तो मैं थोड़ा काजल यूज करूंगी। लिप के लिए मैं नेचुरल कलर का हुडा ब्यूटी मैट लिपस्टिक यूज कर रही हूँ। आप कोई भी नेचुरल लिपस्टिक यूज कर सकते हैं। मुझे ग्लॉसी लिप्स पर्सनली बहुत पसंद है, इसीलिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लॉस यूज करूंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फेस अगर बहुत फीका फीका लगे मैं थोड़ा सा कलर यूज करूंगी, माय फेवरेट नाउ द पीच कलर। दिख नहीं रहा कलर, मैंने कहा ना बहुत थोड़ा सा यूज करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लाल लाल गाल अच्छा नहीं लगेगा। मुझे अभी भी लग रहा है कि आंखों को मैं थोड़ा और एनहांस कर सकती हूँ, तो आंखों के नीचे मैं आई शेडो से थोड़ा ज्यादा मैं कलर भर देती हूँ, तो मुझे लगता है उससे आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी ब्राइट लगेगा। देखिए इंस्टेंटली दोनों आंखों में चेंज आपको दिख रहा है, ये लाइट भी है ब्राइट भी है।
ब्रश ऑफ कर देती हूँ क्योंकि हमारा मेकअप रेडी हो गया है, और मैं नोज में थोड़ा सा कॉन्टूर कर देती हूँ। आप जब मेकअप लगाते हैं तो सब कुछ यूनिफॉर्म हो जाता है, जब मेकअप नहीं लगाते थोड़ा सा यहाँ नीचे यहाँ ऊंचा ऐसे समझ में आता है, लेकिन जब हम मेकअप लगा लेते तो थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा कॉन्टूर कर देना जरूरी है। एंड माय मेकअप इज रेडी। लेकिन सिर्फ मेकअप करने से कैसे होगा ऐसे बालों को लेके, मैंने रेडी कर ही दिया है तो बाल भी ठीक कर देती हूँ बहुत ही इजीली, बहुत ही क्विकली। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अगर बालों में क्विकली करना है, आपके पास बहुत सामान नहीं है, बालों में सबसे पहले आप थोड़ा सा वाटर स्प्रे कर ले, तो इस तरीके से मैंने अपनी मासी को रेडी कर दिया। मासी कैन गो आउट टू पार्टी, मासी कैन गो आउट टू शादी ऑल्सो। बिंदी बड़ी कर लेंगी तो शादी के लिए रेडी हो जाएंगी, बिंदी का कलर चेंज कर लेंगी तो पार्टी के लिए रेडी हो जाएंगी, और बिंदी नहीं पहनेंगी तो रेस्टोरेंट जाने के लिए रेडी हो जाएंगी। तो ये था मेरा लुक, मैंने भी ट्राई किया फर्स्ट टाइम, काफी गूफ अप्स भी हुए, उसको मैंने आप ही के सामने रेक्टिफाई किया, क्लैरिफाई किया और दिखाया भी कि मिस्टेक्स हो सकते हैं, ट्राई नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। मासी को आई एम श्योर कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मुझे पहचान नहीं सकती अभी। इतना सुंदर लग रहा है। माँ नहीं मिली तो माँ की डुप्लीकेट मासी को लाके मैंने मेकअप फिनिश किया, एंड आई थैंक यू सो मच, और मैं भी बहुत हैप्पी हूँ। आप लोगों को भी होपफुली अच्छा लगा, प्लीज आप भी ट्राई कीजिए, आपके बड़ों के ऊपर मुझे फोटो भेजिए, एंड आई विल See you again next time. Mashi, tata karo. Bye bye. Like, share, bye. Subscribe to Debina Decodes.